हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर सर्दियों के दौरान बर्फ का आनंद उठाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा के लिए वाहन चलाते हुए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, ताकि वे इस रोमांचक यादगार यात्रा का आनंद सुरक्षित ले सकें। अक्सर बाहर से आने वाले वाहन चालकों को बर्फ में वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता है, जिस कारण वे दुर्घटना अथवा बर्फ में वाहन फिसलने के कारण आपस में टकरा जाते हैं। वाहन चलाते समय एक दूसरे वाहन की दूरी अधिक रखनी होती है, ताकि बर्फ में फिसलन की स्थिति में वाहन फिसलकर आपस में ना टकरा जाएं। बर्फ में वाहन के टायरों में हवा औसतन से कम रखनी होती है, ताकि हवा कम होने से फिसलन ना हो। इसके साथ ही गियर हैवी रखना होता है और गति भी कम रखनी होती है। हल्के गियर में स्टीयरिंग का ज़्यादा तेजी से घुमाना नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्टीयरिंग घूमते ही टायर तेजी से मुड़कर बर्फ में फिसल जाते हैं। हो सके तो टायरों के लिए बर्फ में चेन लगाकर धीमी गति से ही वाहन चलाएं। आशीष नेगी ने बताया कि हिमाचल में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान बाहर से पर्यटक बर्फ देखने आते हैं, लेकिन उन्हें वाहन चलाने का अनुभव ज़्यादा बर्फ में नहीं होता है, जिस कारण कई पर्यटक वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे पर्यटकों से वे अपील करते हैं कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिनमें बर्फ में स्पीड कम रखें, ब्रेक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ब्रेक बर्फ में फिसलती है, वाहनों के टायरों में हवा कम रखें। मेरा नाम आशीष नेगी है। आजकल सर्दियों के मौसम में बर्फ़ काफ़ी भारी बर्फबारी की वजह से आने वाले पर्यटक जो हिमाचल में आते हैं, उनसे मेरी ये निवेदन है कि जब भी वे हिमाचल में आते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे सर्दियों में हिमाचल में गाड़ियों के एक्सीडेंट होने का ये होता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो पर्यटक आए होते हैं उनकी गाड़ियाँ आपस में बचती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, एक तो उन्हें सर्दियों में यहाँ बर्फ़ में पहाड़ियों में गाड़ी चलानी आती नहीं है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि ये कोई आसान काम है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि इस चीज़ के लिए क्या क्या सेफ्टियाँ यूज़ करनी होती है। जैसे कि टायरों में आप अपनी हवा कम रखें, टायर थोड़े थोड़े बैठे हों आपके बर्फ़ में ताकि वो चलें, वरना फुल जैसे पूरी हवा होती है उसमें घूमते हैं टायर, और एक्सलेटर कम देना होता है, ठीक है। जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फासला होता है वो एक मेंटेन रखना होता है। बिल्कुल चिपक के चलेंगे तो आप अगला इंसान ब्रेक मारेगा तो वो बच जाती है गाड़ी, सीधी सी बात है। तो मेरा यही है आने वाले पर्यटकों से निवेदन कि वो इन रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट कम हो और सेफ्टी बनी रहे। सहायक अभियंता नेशनल हाईवे भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन चालकों से वे निवेदन करते हैं कि वाहन को धीमी गति से चलाएं, टायरों में हवा कम रखें। और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। तो गाड़ी चलाते मेनली किन किन बातों का ध्यान रखें? गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, ब्रेक ना लगाएं, और टायरों में और हवा बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, बस ब्रेक का उपयोग जो है बिल्कुल कम करें। इस बार दिल्ली से आए पर्यटक सुरेश कुमार ने बताया कि वे वाहन ड्राइव करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि बर्फ में वाहन चलाते हुए उन्हें काफी सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं, जिससे वे दुर्घटना का शिकार ना हो। उन्होंने बताया कि वाहन को पहले या दूसरे गियर पर धीमी गति से ही चला रहे हैं, टायर में हवा कम रखे हुए हैं, और बर्फ में सफर करना हो तो टायरों के साथ चेन का प्रयोग अवश्य करें। दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पे हम बर्फ का बहुत आनंद ले रहे हैं। हम लोग ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे और हम लोगों ने कुछ बातों का बहुत ध्यान रखा है, जैसे कि स्नो में ड्राइव करते हुए हम लोग पहले और दूसरे गियर में आए धीरे धीरे, और हमने ब्रेक नहीं मारी, हम थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बना के आए ताकि गाड़ी फिसले ना, और हमने स्नो चेन भी अपने पास रखी कि इन केस अगर हमारे पास ज़्यादा फिसलने लगती है तो हम स्नो चेन बांध के भी आ सकते हैं। तो उनका एक मेंबर हूँ यहाँ पे टैक्सी में, तो कुछ बातें ऐसी गाइड करना चाहूँगा मैं कि जो यहाँ के हमारे बाहर के टूरिस्ट वगैरह घूमने वाले हैं, तो वो जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं बर्फ़ में, एक तो रेस ज़्यादा होती है, वैसे रेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बर्फ़ में, पहला गियर होना चाहिए, आराम से मतलब आराम से उतरना है आपने, उतराई में जब जा रहे हैं आप तो ब्रेक का यूज़ नहीं करना है आपने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइड चलना है आपने, तो मतलब वैसे ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि अगर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो गैस वगैरह स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ वगैरह, इसलिए
मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गाड़ियाँ आराम से चलाएँ, हैवी गियर में चलाएँ, ब्रेक का कम से कम यूज़ करें और काफ़ी दूरी बना रखें, स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए गाड़ी में, गाड़ी के आमने सामने, यही कहना।